तो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई आज जो है जो इतने टाइम की सफरिंग थी, जो कि गर्मी आने के बाद काफी ज्यादा इफेक्ट मेरे को कर रही थी, वो थी कि भाई मैं अपनी जिप्सी जब 40 डिग्री टेम्परेचर में बाहर लेके निकलता था तो भाई पिघलने वाली हालत हो जाती थी। तो फाइनली आज जो है मैं सही जगह में पहुंच चुका हूँ। स्टिल जब काम हो जाएगा तब आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से फीडबैक दे पाऊंगा। तो आज मैं आ रखा हूँ सुपरलेटिव कार केयर सर्विसेज, अगेन गो मैकेनिक का ही यहाँ पर जो है आप टाई अप मान सकते हो, और पूरा गो मैकेनिक का आप लोगों को यहाँ ब्रांड नहीं दिखेगी। गाड़ी ऑलरेडी अंदर पार्क हो चुकी है, ईच एंड एवरीथिंग जो कार से रिलेटेड, मतलब मेरे जो एसी में यूज होने वाली है भाई वो होगी ब्रांड न्यू। आप लोगों को सारे पार्ट दिखा दूंगा। गो मैकेनिक से करीबन मेरी एक महीने पहले से बात चल रही थी कि मेरे को ये सारी एसेसरीज और जो चीज़ें हैं वो ऑन हैंड चाहिए, सारी ओरिजिनल चाहिए और जितना जल्दी हो सके वो चाहिए। तो फाइनली आज दिन आ चुका है जिस दिन ये सब स्टार्ट होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये व्लॉग आपके पास दो व्लॉग में आ सकता है या फिर सिंगल में है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, और क्या क्या पार्ट्स है पहले वो मैं आपको बताया। साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर। भाई आज की वीडियो के मेन जो हमारे कलाकार रहेंगे वो है, एवं नाम बता दो भाई। भाई मायसेल्फ यशकर रावत। तो रावत भाई हम इनको बोलेंगे पूरी वीडियो में, तो समझ जाना अगर मैं रावत भाई बोल रहा हूँ। तो रावत भाई ने हमारे लिए ये सब चीजें जो अरेंज करा दी है, थैंक्स टू गो मैकेनिक जिन्होंने ये सब चीज अरेंज कराई। तो भाई एक एक करके अनबॉक्स कर दो और बताओ एक चीज भाई, कितना टाइम लगा है सब चीज अरेंज कराने में, क्योंकि एक महीने से हम लोग प्लान कर रहे थे, कितना टाइम लगा है? सर थोड़ा सा वही है कि टेक्निकली रिसर्च करना पड़ता है। बेसिकली क्या है, आपकी जिप्सी में कोई आपका वही फिटमेंट आता नहीं है। राइट राइट। तो बेसिकली हमें हर एक चीज थोड़ा सा स्टडी करके कि कौन सा इसमें कंप्रेसर लगेगा। तो मैंने जो इसमें फिलहाल हम लोग ने जो जो पार्ट यूज किए हैं, बेसिकली आपका सैंडन का है और इसमें एक सुपर किंग की यूनिट आती है। तो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ ओई फिटमेंट जो आर्मी के लिए जाती है, जैसे हमारी बात हो रही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो आर्मी में भी, क्योंकि आर्मी वाले ऐसे तो रह नहीं सकते, तो उन लोगों को भी जरूरत पड़ती है। तो वो बेसिकली जो सुपर किंग की यूनिट है ये जिप्सी के लिए ही बनी हुई है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या चीज करता हूँ मैं, चेंज द साउंड, ये है आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका सुपर किंग का ब्लोअर यूनिट है। चलो इसको खोल के देखते हैं यार। वो एम्बेसडर एम्बेसडर वाले डालते हैं, उनका क्या सीन है यार? सी आप बेसिकली क्या है कि जो एम्बेसडर वाली कूलिंग कॉइल है, एक तो उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके बाद देखो, अब टेक्निकली इफ यू गो एम्बेसडर की कूलिंग कॉइल आप डैशबोर्ड के पीछे लगाओगे, डैशबोर्ड में आपका जिप्सी में सबसे मेन सपोर्ट होता है आपका एक बीम लगी रहती है। तो ये बेसिकली काम होता है आपका मायापुरी में, जिसको बीम को भी काट देते हैं, जो बीम को काट देते हैं, जो बेसिकली जिप्सी का रिजिडिटी के लिए सपोर्ट के लिए दिया रहता है। तो आप खुद सोचिए, आप टेक्निकली करवाना चाहते हैं, किसी पैसा बचाने के लिए कुछ भी करवाना चाहते हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल सही कही। तो भाई पहली चीज अनबॉक्स करके दिखा दो क्या है इसके अंदर। तो आप लोगों को हर चीज की ब्रांडिंग एंडिंग सब कुछ इसमें हुई दिख जाएगी। तो देयर यू गो। तो वी स्टार्ट विद दिस, दिस इज योर एक्सटर्नल ब्लोअर असेंबली, दिस हैज इनबिल्ट कूलिंग कॉइल एज वेल। तो जो मेन एसी का आपका होता है कूलिंग कॉइल और ब्लोअर, तो ये एक्सटर्नल यूनिट आती है पूरी जिप्सी की, ये सुपर किंग की मेन यूनिट है। देख लो भाई, देयर यू गो, और बिल्कुल परफेक्ट है मतलब। तो इसमें जो ये फ्रंट वाला होता है, इसमें कटिंग होती है थोड़ी हल्की फुल्की? इसमें ये आपका एक्चुअली देखो, दो तरीके से आप जिप्सी में एसी लगा सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली ये जो यूनिट है ये आप एडिशनल एड ऑन करके लगा सकते हो। बाकी मैं आपके जिप्सी में लगा के दिखाऊंगा कि हम आप में कौन से तरीके का लगा। अच्छा, कुछ डिफरेंस सोचा है क्या? ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली है ना, सब जैसे मैं बोल रहा था एसी वेंट से हवा है, एसी वेंट से हवा निकालता हूं, थोड़ा सा अलग है। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ पार्ट्स का बताता हूँ। ये देखो, ये रहा इसका ब्लोअर फैन असेंबली, और इसके अंदर ही इसका कूलिंग कॉइल एंड एक्सपेंशन वॉल्व है, और ये इसका मेन आउटलेट है जो एक वन टाइप में आप इसको डायरेक्टली फिटमेंट कर सकते हो, ठीक है, बिना डैशबोर्ड से एयर रीजनरेट कराने के लिए। तो आप ये ऐसे लग जाता है आपके जिप्सी में और बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, कूलिंग आती है, मस्त कूलिंग आती है। चलो भाई ठीक है, इसके बारे में बात हो गई, तो इसको प्यार से रख दो भाई, बिल्कुल थोड़ा हेल्प कर करा दो भाई साथ से ना, ठीक है? चलो नेक्स्ट के क्या चीज है बता दो एक बार। मैं आपके लिए अभी ये खोलता हूँ, ये हो गया आपका कंडेंसर यूनिट। कंडेंसर यूनिट है ये आपका कंडेंसर यूनिट का फैन बताओ, जैसे पहले जैपनीज, जैसे आपने एमजीपी देखा है तो इसमें तो एमजीपी के पार्ट नहीं लगते थे, एसजीपी लगती थी आई गेस, जिस टाइम पे जिप्सी आती थी उस टाइम पे एसजीपी के जैपनीज पार्ट्स लगा करते थे। तो इसमें मेरे को जैपनीज लिखी हुई दिख रही है सर, बेसिकली सुपर किंग, क्योंकि सारी की सारी एक्चुअली ये है एक आपकी जापानीज कंपनी सुजुकी जो आपकी निकालती है, एक जिमनी के लिए इंडियन वर्जन है। राइट 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 राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है सारा पार्ट जो आता है आपका वहीं से आता है। सुपर किंग इज अ टाइप ऑफ यूनिट जो की इंडिया में सिर्फ चली जिप्सी के चक्कर में रही है, ठीक है? ये भाई ये so बहुत बड़ी बात है। कंडेंसर फैन जो कंडेंसर के साथ लगेगा, ये कंडेंसर आपका बेसिकली हम
नीचे आपका अंडरबॉडी में माउंट करेंगे तो उसके साथ ये फैन असेंबली लगेगा जो कंडेंसर में जितनी भी आपकी हवा घूम वो गैस घूम रही है उसको कूल करेगा। चलो ये भी चीज़ तो आपका कंडेंसर यूनिट हो गया। अच्छा एक चीज वैसे मेरे को और एड ऑन करके बताओ, आगे जैसे बोलते हैं लोग कि आगे लगवा लो या नीचे लगा लो, नीचे में कूलिंग कम होती है कुछ ऐसा है? नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, बट देखो आगे से क्या होता है ना, जो लोग कहते हैं जैसे आगे बहुत कम ही लोग लगाते हैं, बेसिकली सब नीचे लगाते हैं। हम आगे लगाने का अगर जैसे हम आगे लगाना चाहते हैं तो आगे से क्या होता है कि आप रेटर के आगे उसको माउंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके आगे एक आपका फैन लगेगा। द पॉइंट इज अभी जिप्सी में जो आपका फैन आता है इट्स अ मैकेनिकल फैन कंट्रोल्ड बाय द वाटर पंप जो इंजन स्पीड से इंजन स्पीड से चलता है, इंजन स्पीड से चलता है। अब आपका जब गाड़ी में एसी ऑन करते हो इंजन में लोड बढ़ता है, इंजन का स्पीड डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे हीटिंग के चांसेस होते हैं, तो बेसिकली हम वो भी रेक्टिफाई करेंगे आपकी गाड़ी में। हम तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली थर्मोस्टैट कंट्रोल फैन लगा रहे हैं, तो मतलब आपका इंजन आइदर इट रन्स एट 600 आरपीएम और 3000 आरपीएम, आपका फैन इलेक्ट्रिक मोटर जो उसका अपना रेटेड आरपीएम है उस पे चलेगा, यानी कि वो जो हीट वाला सीन है वो नहीं होगा, वो सीन नहीं होगा। चलो भाई ये भी एक कंफर्मेशन भाई की साइड से आ गया। नेक्स्ट चीज क्या रहने वाली भाई दिखाने के लिए? आपका कंडेंसर यूनिट है, नाइफ का चला, नाइफ का चला। देख लो एक एक चीज आपको अनबॉक्स करा के क्यों दिखाने की जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हमें देख के इंस्पायर्ड होते हैं, वो लोग भी जिप्सी बनाना चाहते हैं लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता। क्या कहते हैं राहुल भाई इस बारे में? ऑब्वियसली मायापुरी से क्या होता है काम, कैसा काम करके देते हैं एसी का वो? सर सी मायापुरी में ऐसे लोग हैं जैसे कहते हैं भेड़ चाल वाले लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक तरीके से टेक्निकली कुछ स्टडी नहीं कर रखा, उन्हें पता है ये करना है ये होना है बस। तो मायापुरी में ऐसा है कि उनको आउटपुट चाहिए होता है, उनको एक दिन में 10 जिप्सी में एसी लगाने होते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म और वो ये आसान तरीका ढूंढते बस कि काटो चिपकाओ। और पहली बात वहां पर ये सब चीजें ओरिजिनल नहीं मिलती है, फॉर ए करेक्शन बताया था, वो सेकंड हैंड भी देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा सेकंड हैंड चलेगा, मतलब आपको इतना रियलिटी का पता नहीं चलेगा। ये आपका हो गया, आपका ये कंडेंसर यूनिट है जिसमें आपका गैस फ्लो करता है, ठीक है, तो यही आपका नीचे माउंट होगा। तो ये ऐसा होगा कुछ ग्राउंड क्लियरेंस पर फर्क पड़ता है इससे? सर आपका देखो क्या है, जिप्सी का आपकी मेन चैसी आ जाती है, आपका फ्रेम आ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी बॉडी माउंटेड होती है, ठीक है, ये जो माउंट होता है आपका चैसी और बॉडी के बीच में लगता है ऐसा, आपका देखो चैसी ये रहा उसके ऊपर बॉडी है, तो इतना हमारे पास उस बीम का गैप है, वो आराम से इतना जगह होती है कि सबसे पहले आपकी चैसी टकराएगी ना कि ये कंडेंसर टकराएगा। चलो भाई ये भी एक अच्छी चीज है। वैसे इसकी भी आपको एक चीज बताता हूं, अगर इसमें मिट्टी ज्यादा जमेगी तो मेंटेनेंस बढ़ जाती है? मेंटेनेंस सर देखो जाली है, आप एक बार कहीं पे भी जाइए थोड़ी सी लिफ्ट से उठवाइए वॉशिंग मार दीजिए मिट्टी है गल के वापस नीचे बह जाएगी, कोई ये भी नहीं। ये बढ़िया चीज बताइए भाई ने। तो नेक्स्ट चीज क्या आ रही है भाई? ये है जो कि बेसिकली आपका रेटर फैन हो गया, ये हम जो आपका ऐसा चीज कर रहे हैं जो आप आधे से ज्यादा शायद आपने YouTube में बहुत वीडियोस भी देखी होंगी, किसी को आपको किसी ने आपको ऐसा करते हुए देखा भी नहीं होगा, कोई ऐसा करता भी नहीं होगा, सब आपका एसी यूनिट लगा देते हैं लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट्स कोई नहीं सोचता है। तो हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स को स्टडी कर करके हमने ये इसमें ये निकाला है कि भाई साहब मैकेनिकल फैन छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक फैन में आ जाओ क्योंकि आप इंजन में लोड बढ़ा रहे हो। राइट राइट। तो जैसे ही अगर बाय चांस कभी बाय चांस ये ऑन भी नहीं हुआ तो आप बटन भी लगा दोगे ना? मैं एक्सटर्नल आप एक बटन लगा के रखूंगा, एक बटन लगा देना, अगर आपका थर्मोस्टैट फेल हो जाता है तो हम लोग खुद चला के हीटिंग के इश्यू नहीं फेस करेंगे। हाँ हीटिंग के इश्यू को आप फेस नहीं करेंगे। और इसका बहुत जल्दी टेस्टिंग होने वाला है, मैं भी जाने वाला हूँ राजस्थान। श्योर श्योर सर आप बिल्कुल। ये बेसिकली हमने सेंट्रो की असेंबली लगाई है, ये सेंट्रो का फुल असेंबली है तो हम इसी को यूज करेंगे, मजा आएगा मतलब इसको लगाने में। और कितने देर का काम है अगर पूरा देखा जाए तो? एक दिन तो पूरा जाएगा सर। देखो मैं आपको ये बताऊं तो देखो एक नॉर्मल कंडीशन का एसी लगाने में जिसमें मैं आपका ये सब करूंगा, ये फैन आपका लगाऊंगा क्योंकि ये मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा लोगों को, ठीक है, कि आप जो भी काम करो एक 100% अश्योरिटी और टेक्निकल आदमी से कराओ, टेक्निकल जगह जहां नॉलेज हो, हमारी टीम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो स्टडी करके काम करते हैं। Right. तो मैं देखो बेसिक जो आपका फिटमेंट है वो एक दिन में हो जाता है, बट जो मैं आपकी गाड़ी में करना चाह रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं उसमें हो सकता है एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा भी। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी अच्छी चीज है भाई, एक दिन से ज्यादा भाई को हम टाइम दे देंगे। और नेक्स्ट और आखिरी क्या चीज रह रही है भाई? ये हो गया सबसे मेन चीज है, ये सैंडन है, सैंडन सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है भाई। कितना कौन सा वाला है? 507 या 507 है भाई, देख लो। ये तो आप लोगों ने मायापुरी में देखा होगा सर, मायापुरी में भी आपका सैंडन विकास 7, इसमें भी आपका वो आते हैं क्या कहते हैं कंपैरिजन आता है, ये है आपका एग्जैक्टली सैंडन सिंगापुर, दिस इज अ 5 पिस्टन कंप्रेसर, जो आपका इंडियन मॉडल आता है वो आता है सैंडन विकास, तो वो 7 पिस्टन का होता है, वो बहुत ज्यादा लोडेड होता है और वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं होता, वो सस्ता ही पड़ता है। तो ये भाई आखिरी चीज थी हमारी, सब आखिरी। हाँ बाकी आपकी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि जैसे आपका पाइप सेट हो गया, लेफ्ट
पाइप सेट हो गया आपका, कूलेंट बॉटल, वो एसी गैस की बॉटल हो गई, सारी पाइपिंग वाला, ये आपकी पाइपिंग्स हो गई, ये आपका रिले हो गया, ये है आपका कूलेंट बॉटल स्कोर से, भाई ना हाथों से खोल दिया सब चीजें। ये आपने देखा होगा कंडेंसर के बगल में रखता है, हाँ हाँ, ये आपका हो गया क्लैंप हो गया इसका, एंड ये आपका सारा माउंट असेंबली एंड द पुली। और वो क्या सोचा आपने, ऐसे बटन्स होते हैं जो एसी ऑपरेट करने के लिए होता है, वो आपका जो ब्लोअर असेंबली है आपका, देखिए ब्लोअर असेंबली के फ्रंट में मैंने आपको दिखा दिया था। अच्छा, तो यही यही निकल के लग जाता है, हाँ, ये हम यही आपका पूरा कंट्रोल यूनिट है, तो बेसिकली इसमें आपका सारा एयर है और बाकी कुछ चीज आपका अंदर भी दिया रहता है, आपकी जिप्सी में भी लेके रहते हैं, ठीक है, तो हम वहीं से कंट्रोल करेंगे। चलो भाई, ये चीज हो गई सॉर्टेड जी, ठीक है, तो चले भाई इंस्टॉलेशन की तरफ। चलिए ठीक है, मैं आपको एक वहाँ पे बेस आइडिया दूंगा, हम आपका काम किस तरीके से करना चाहेंगे। वो है कि हम लोगों का जॉब कार्ड बनाया जाएगा, तो यहाँ पर जो है भाई नाम वाम लिख लेना मेरा। तो भाई एक चीज बताओ, जैसे अगर इंश्योरेंस के बारे में पूछूं मैं, तो इंश्योरेंस भी कराया था क्या गो मैकेनिक? सर हमारे हर किसी कंपनी से इंश्योरेंस है, ठीक है, टाई अप हर किसी कैशलेस है, और हमारा फ्री पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। चलो, और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो gomechanic.com में ज़्यादा देख लेना, नहीं तो इनके टोल फ्री नंबर्स है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसमें भी आप क्या बनाओगे, मतलब जैसा जो जॉब कार्ड में भी क्या लिखने वाले हो? सर आपकी डिटेल होगी और जो आपका काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, हम वो चीज़ लिखेंगे। तो इसमें हमारी बेसिक सर्विस वाली चीज़ तो कुछ ऐड नहीं होगी ना? नहीं सर, इसमें खाली जो आप काम करवा रहे हैं हम वो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और एस्टीमेट दे देना मेरे को ना, क्या एस्टीमेट लगता है एक बार, तो देख लेंगे। तो इसमें राहुल भाई, इसमें तो केवल हमारा लेबर लगेगा ना, क्योंकि हमारा सारा सामान तो मैंने जैसे गो मैकेनिक से पहले मंगा लिया। सर मैं वैसे बेसिकली देखो, ये जो वीडियो बन रही है हम एक तरीके से लोगों को आइडिया भी देना चाहते हैं, तो मैं आपको टोटल अप्रोक्सीमेशन बता देता हूँ। हाँ, तो बेसिकली देखो, जैसे आपका ये ब्लोअर असेंबली हो गया, ठीक है, तो आपकी गाड़ी में आके बताते हैं कि हम दो फॉर्मेट से लगता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो, एक जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव, जिसमें आपका 35,000 से 38,000 के बीच में खर्चा आ जाता है, इफ यू प्रिक्योर ऑल द न्यू पार्ट्स, और जो जो मैं सेटअप बता रहा हूँ उस तरीके से, मतलब फैन भी चेंज करेंगे, गो मैकेनिक, तो आपकी ब्लोअर असेंबली लग जाएगी यहाँ पे, इट वुड बी एक्सटर्नल, वो हमने लगाने दिए, वो आपके लिए स्पेशल है, आपके लिए कुछ स्पेशल है, वो यहाँ पे लगेगा, आप इसको एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हो, तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया बेसिकली। अगर अब हम आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम आपका चाहते हैं कि आपकी गाड़ी लगे ओरिजिनल, किसी को पता ना चले इसमें है क्या, बट जो बैठे हो बोले यार मजा आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस डैशबोर्ड के पीछे उस कूलिंग कॉइल की जो मैंने असेंबली दिखाई है उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे विद फाइबर ग्लास, वो फाइबर ग्लास भी मैं आपको दिखाऊंगा। फाइबर ग्लास का फायदा ये है कि एसी वेंट्स में दे दोगे सब में, वो एक हवा कहीं गए जाएगी, पूरा मोल्ड बन के आपके लिए एवरीथिंग वुड गो इनसाइड द एसी वेंट्स, आपका एक्सटर्नली कुछ नहीं लगेगा, सब कंट्रोल आपका यहीं से होगा। बट वही है कि अगर आप फाइबर ग्लास यूनिट के साथ आते हो तो वो थोड़ा खर्चा आपका हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका मोल्डिंग करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यू नीड टू ओपन अप लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली अभी लगा लो 45,000 से 48,000 के बीच में हमें वो आपका वो वाला सेटअप फुलफिलमेंट हो जाता है, तो वो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों को दिखाने में और अच्छा लगेगा। चलो भाई, ये चीज आपको पता चल गई है, बाकी भाई जॉब कार्ड बना रहे हैं, उसके बाद काम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था कि कौन सा कंप्रेसर हम लोग यूज करने वाले हैं, वो मैं जल्दी से आपको लोगों को दिखाऊंगा, अभी उसको अरेंज किया जा रहा है, और फिलहाल के लिए एक बार आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लो, पूरा डैशबोर्ड जो है वो उतारा जा रहा है। रीजन यही है कि भाई डैशबोर्ड के पीछे सब प्लेसमेंट होनी है, एंड अगेन ये OEM प्लेसमेंट नहीं होती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और इसी के साथ में थोड़ा 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 कर करके सब चीज़ें जुड़ेगी, तो एक बार डैशबोर्ड उतरने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। भाई अब जो है इस पूरी असेंबली को निकाल के हम लोग इसमें अपनी असेंबली डालेंगे, तो भैया एक चीज़ बताओ, जो AC जैसे हमने लगा दिया तो वो ठंड के टाइम में गर्म हवा दे पाएगा? नहीं, गर्म हवा इसमें है ही नहीं। अच्छा, इसमें है ही नहीं? नहीं, जब से भी नहीं होता गर्म हवा, गर्म हवा का होता ही नहीं। तो ये जो ब्लोअर लगा होता है ये नॉर्मल हवा के लिए? नॉर्मल हवा के लिए। तो ये मायापुरी में निकाल देते हैं भाई यूजुअली ना वैसे, लेकिन इसमें लगा हुआ है तो सही है। अभी भाई जब AC का पूरा इसमें प्लेसमेंट करते हैं तब मैं आपको दिखाता हूँ, और इसी के साथ में आगे की तरफ में बहुत सारे दोस्त पूछेंगे कहाँ पर कैसे प्लेसमेंट होगी। तो भाई हम स्टीम वाला कंप्रेसर इसमें लगाने वाले हैं, तो हम लोग किसके साथ, अपना हाइड्रोलिक का जो पंप है इसी के साथ लगाएंगे? हाँ, इसी के साथ। इसी के साथ में पूरा बना होता है या फिर कैसे, जुगाड़ उगाड़ होगा कुछ? नहीं, बना होगा, बना हुआ होगा ना। तो भाई आप लोग होते हुए देख लोगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल रॉ चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा काम आगे बढ़ता है तब आपको और अच्छा आइडिया मिल पाए।
सो गाइस हमारी पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पर चेक की जा रही है, देख लो भाई हवा आ रही है, पता नहीं तुम्हें कितना, देखो कैमरे में अगर फड़फड़ पड़ रहा है। वो एक काम करो, आप ये कपड़ा लगाओ ना, कपड़ा लगाओ, कपड़ा लगाओ, दबा के रखना, कपड़ा लगाओ, कपड़ा लगाओ, कपड़ा लटका, देख लो भाई हवा आ रही है, देख रहे हो गाइस, ये देखो भाई ने सही तरीका बताया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है भाई, और बाकी जब लग जाएगा तो उसके बाद और अच्छे तरीके से। तो गाइस हमारा सबसे अगला और जरूरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है भाई, क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या खेला हो गया? बेसिकली इसको कहते हैं हम मोल्ड करेंगे जो आपका वेंट्स एंड इंटीरियर जो आपका बनेगा, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फाइबर ग्लास। तो इट्स बेसिकली ये आपका एक लाइट वेट मटीरियल होता है, आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। बदबू तो नहीं आती इससे? नहीं सर, अभी ये सूखने के बाद, अभी तो केमिकल्स है इसमें, केमिकल्स मिल रहे हैं तो ये तो अभी एट इंस्टेंट देगा, उसके बाद तो वो देखो अभी आपका ये घास है, फाइबर ग्लास अभी ऐसा है, बनने के बाद ये फाइबर ग्लास की शीट बन जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद हम उससे कुछ भी चीज मोल्ड कर सकते हैं जो हम चाहेंगे। तो अभी ये फिलहाल रेजिन है एंड ये इसका ये कोबाल्ट हो गया है, ये इसका कैटलिस्ट है, ये हार्डनर का काम करते हैं। सो लेट सी, धीरे धीरे करके हम बनाना शुरू करते हैं। चलो भाई बनाते हो, हमें भी दिखाना, ठीक है, बढ़िया वाला। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, एक बार देखते हैं कि सब कुछ कैसे होता है भाई, थोड़ा बताते रह रहा हूँ सब। तो बेसिकली हम बेस पे अभी एक शीट निकालने के लिए, तो अभी पहले से पॉलिश लगाया था कि आपका फाइबर ग्लास ना चिपके, और गिराओगे कौन सी पॉलिश है भैया? ये वैक्स पॉलिश है, आप इसमें कोई भी पॉलिश यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली वो वैक्स होनी चाहिए। बस इसमें ये है कि ये थोड़ा सेपरेशन करने में इजी रहता है, फाइबर ग्लास जब सूखता है तो सेपरेट करने में इजी रहता है। की शीट हम बिछा रहे हैं, तो बेसिकली लेयर बाय लेयर, मतलब अभी तो मिनिमम हम दो लेयर रखेंगे, और इसको जब हम मोल्ड करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम मोल्ड करना, तो धीरे धीरे करके फिर जैसे सूखने लगेगा तो एक ये प्लेन प्लास्टिक, आपके जैसे प्लास्टिक होता है वैसा एक शीट बन के पतली सी शीट आ जाएगी आपकी इसमें। अप्लाइंग द रेजिन, असली देखिए कि ये पतला सा तब जैसे जैसे नीचे लगता जा रहा है, ये धीरे धीरे शीट बन जाएगा। यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो, जो आप लोगों को पहले सब चीजें भरी दिख रही थी वो भाई ने दबा दी है। तो भाई ये सूखने में कितना टाइम लेती है? सूखने में यार बेसिकली हमने अभी तो थोड़ा ये मटेरियल टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा सॉफ्टी बनाया है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। बेसिकली देखो अभी तो थोड़ा थोड़ा आपको एक फीलिंग आ गई होगी कि हाँ एक प्लेन शीट में कन्वर्ट होती जा रही है, एक घंटे के अंदर अंदर आपको एक प्लास्टिक शीट टाइप की दिख जाएगी, मच हार्डर देन प्लास्टिक, मच मैलेबल देन प्लास्टिक, और लाइट वेट देन मेटल, इजली मोल्डेबल। और भाई को मैंने बोला स्मेल नहीं आनी चाहिए, बस ये एक ऐसी है जिससे आप फोल ऑफ होल जिप्सी का कैबिन बनता है, बम्पर्स बनते हैं, पूरी की पूरी गाड़ियां बनती है। दिस इज अ मतलब दो टाइप के फाइबर ग्लास आते हैं, एक तो ये आपका फाइबर ग्लास हो गया, एक होता है कार्बन फाइबर, तो इट्स इसको एक तरीके से कह सकते हैं सस्ता सब्स्टिट्यूट ऑफ कार्बन फाइबर। भाई बढ़िया है, और जब रेडी हो जाता है तब मैं आपको गाड़ी देता हूं। ओके गाइस, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप चल रहा है वो है भाई थोड़ा गाड़ी को हवा में रखेंगे, क्योंकि नीचे से देखा जाएगा कि भाई कंडेंसर की कहाँ पर प्लेसमेंट बढ़िया रहेगी। अगेन यूसेज वाइज जो यूजली लोग कराते हैं, मायापुरी से कराओ, कहीं से भी कराओ, नीचे ही लगाते हैं, हम लोग भी नीचे ही करेंगे भाई। हाँ नीचे करेंगे, और देखते हैं बाकी क्या बनता है नीचे लगने का ना, उससे सही है कूलिंग, कूलिंग से आती है आपका, नीचे से एयर का फ्लो बना रहता है। एक्चुअली क्या है कि जिप्सी के आगे ना ग्रिल में आपका इतना कुछ खास जगह नहीं है, आपने देखा होगा, बेसिकली आपकी जगह तो है बट बेसिकली आपका ये जो रेडिएटर है ना जिप्सी के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, इसके आगे हम कंडेंसर लगा दें, उसके बाद हम इसमें कंडेंसर फैन लगा दें, तो थोड़ा एयर फ्लो में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम होता है कि आपकी गाड़ी हीट कर दे, तो बी ऑन द सेफ साइड, तो हम नीचे लगाएंगे। कैसे प्लेसमेंट होगी आप लोगों को जरूर दिखाऊं?
सो गाइस यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कंडेंसर की प्लेसमेंट हमने कहाँ सोच रखी है। तो भैया आप लोगों को जगह दिखा देंगे। तो भाई देखो इतना ऊपर रखना है कि अगर बाई चांस गाड़ी चल रही है तो कुछ टकराए टुकड़े ना। हाँ तो इससे मतलब ये है कि आपको रफली बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये आपका बॉडी के ओरिजिनल बाउंस पे फिट हो जाता है। घुमाने का देखो भाई अभी तो केवल प्लेसमेंट करके दिखा रहे हैं आप लोग। खोलना था मुझे यार। कोई नहीं मतलब इतना यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग को एक आइडिया दे दे रहे हैं। बाकी जब फिटमेंट हो जाएगा तो एक बार आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली फिट कैसे लगाने लगेंगे तब बना तब दिखा देंगे। चलो ठीक है देख लो भाई फोकस कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट बिठाई जा रही है। कितने नंबर के वो छेद किए हुए अभी ड्रिल करके? 10 नंबर का। 10 नंबर के हुए ना। देख लो भाई तो यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट की जा रही है और बिल्कुल परफेक्ट और काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो चांसेस कम होते हैं कि कुछ पत्थर वत्थर या मिट्टी विट्टी ज्यादा अंदर जाए। मिट्टी तो जाती है लेकिन पत्थर वत्थर हमें बचाने क्योंकि उसी से लाइफ बनी रहेगी। और बाकी कूलिंग का इफेक्ट क्या होगा वो तो मैं आपको होने के बाद बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर अभी थोड़ा काम और बढ़ चुका है। भैया क्या कर रहे हो अभी बता दो। ये माउंटिंग बनाते हैं कंडेंसर के। कंडेंसर लगाने के लिए माउंटिंग बना रहे हो। तो भाई यहाँ पर देख लो माउंटिंग है। तो भाई कितने लगेंगे इसमें माउंटिंग? इसमें आपका 4 नट लगना है आपका जो बॉडी से टाइट होंगे। ठीक है तो बेसिकली 4 माउंट बनेंगे तो थोड़ा आपका फिट हो जाता है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा आपका बॉडी पे आपका कंडेंसर आ रहा है एक तो उसमें थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगी ताकि आपका एयर रिसर्कुलेशन हो जाए उसमें अच्छे से। चलो भाई ये भी ठीक है तो ये करने देते हैं और जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है तब आपको दिखा सकते। सो गाइस यहाँ पर हमारे साथ रावत सर है। तो भाई एक चीज बताओ ये क्या है एक बार दिखाओ पहले लोगों को नीचे क्या रखा हुआ हमारा। ये तो भाई अभी हमारा खूब मशक्कत लगी 2-2.5 घंटे। तो ये पुरानी वाली ये वी ग्रूव की पुली थी। तो बेसिकली गाड़ी में हमारा क्या है पावर स्टीयरिंग लगा है जो कि आपका ये मल्टी ग्रूव वाला था। तो बेसिकली वो 3 ग्रूव वाला था। तो अब सिंस इसके लिए हमको क्या है मल्टी ग्रूव करना पड़ा तो बेसिकली हमने इतनी मोटी पुली लगाई है। तो उसमें क्या है आप 3 PK 4 PK तो बेसिकली एक तरीके से अब यूनिवर्सल बन गया। अब इसको आप 6 PK वाली बेल्ट में भी चला सकते हैं 3 PK वाली बेल्ट में भी चला सकते हैं जैसे जैसे आपका एडजस्टमेंट होता है वैसे। तो बेसिकली अभी हम इसमें इसको हम 3 PK वाली बेल्ट पे चलाएंगे। तो ये हमारी पुली इसमें रिप्लेस हो गई अब ये डायरेक्टली फिटमेंट हो जाएगा हमारा। और इसी के साथ में जिप्सी का हमने क्या निकाला एक और जो मायापुर से लेके आए जिप्सी का आइडलर बेयरिंग एडजस्टर बेयरिंग होता है एक एडजस्टर यूनिट होता है। तो बेसिकली ये हमारा माउंट है तो वो बेल्ट को टाइट करने के लिए होता है टेंशनर जैसे आपका इसमें ये लग गया ये आपका कंप्रेसर इसमें माउंट हो जाता है। ठीक है इसके ओरिजिनल माउंट में माउंट हो गया तो ये हमारा स्टीम का ही माउंट है। इसमें पावर स्टीयरिंग भी माउंट होगा तो इसमें एक हमारा एक एडजस्टर यूनिट होता है जो कि हमारे पास पड़ा है वर्कशॉप पे ही पड़ा है। तो बेसिकली हम आपको दिखाएंगे जब हम पहुंचेंगे फिटमेंट के टाइम पे। तो भाई 2-2.5 घंटे हमने टाइट करने के होते हैं और अब जाके हम लोग वापसी जा रहे हैं। तो वापसी आके आपको मिलता हूँ और दिखाता हूँ। गाइस आप लोग देख लो हम लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं सबसे पहले काम दिखा देता हूँ। तो भाई थोड़ी सी लाइट डिस्टर्ब कर रही है जरा इसको नीचे दिखाओ 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 मेरे को दिखाओ इसको ऐसे रख दो। हाँ तो गाइस यहाँ पर देख लो हमारा जो है कंडेंसर लग चुका है विद फैन जिसके जो 4 नट है वो पूरे जो हमने बनाए थे ये ऊपर बॉडी में हुए ना भाई। हाँ ये बॉडी में हमने माउंट कर दिया है और लास्ट में सिलिकॉन मार देंगे नीचे से। ये लास्ट में आपका जो यहाँ पे आपका होल्स है ना इसको आप सिलिकॉन से हम सील कर देंगे। तो बेसिकली जो क्या है कि मान लीजिए कभी वाटर फ्लैशिंग होता है तो थोड़ा बहुत जो ऊपर जाने के चांसेस है वो भी बंद हो जाएगा पूरा सील हो जाएगी सील हो जाएगा ना। हाँ तो वो भाई याद से करना है याद रखना। हाँ जी हाँ जी वो तो बिल्कुल याद रखना। बाकी देख लो भाई यूनिट है इसमें आपका गैस कूल होगा यहाँ पे फैन लगा रखा है बेसिकली यूनिवर्सल फैन आता है कोई सा भी या तो किसी गाड़ी के नाम से बोल दीजिए तो बोल दीजिए कोई भी कंडेंसर एक थोड़ा सा फैन दे दीजिए। तो भाई देख लो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है और भाई बहुत स्पेसिंग है देखो आप खुद लोग ग्राउंड क्लीयरेंस से काफी अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस से बहुत ऊपर है तो टकराने के ज्यादा चांसेस नहीं है। ऑफ रोडिंग में हल्की फुल्की दिक्कत होगी? नहीं नहीं ऑफ रोडिंग में देखो आपका सबसे मेन एरिया तो ये देखो ना सबसे नीचे लोवेस्ट जो पोर्शन है वो आपका शाफ्ट डिफरेंशियल है बिल्कुल जो भी चीज टकराएगी जो मतलब होगा पहले इसको बचाएगा जो चीज होगी पहले इससे टकराएगी इस पे तो कुछ चीज पहुंचेगी नहीं। भाई ये बढ़िया हो गया और काम देख लो ओके रिपोर्ट। तो गाइस मीनवाइल जो है यहाँ पर आज पूरा काम चल रहा है और बाहर जो है फुल पावर बारिश हो रही है। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है लेकिन अच्छी खासी वाली बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मौसम देख लो भाई बढ़िया हो रहा है और पूरी वर्कशॉप चेकआउट करो पहले आप लोग। सबकी क्लोजिंग हो चुकी है भाई लेकिन अपना काम चल रहा है और हो सकता है लेट नाइट तक भी काम चले। अभी जो है टाइम हो रहा है देखो भाई 8:33 हो रहा है और 8:33 में अभी ये काम हुआ है। हम लोग आए हुए हमें कम से कम 45 मिनट हुए केवल और बाकी देखते हैं भाई गाड़ी का आज क्या क्या काम और निपटा सकते हैं। भाई ऊपर जो है वो टिन वाली चादर है ये तो पूरी आवाज़ देखो कितनी ज़्यादा गूंज रही है जब बारिश का पानी पड़ रहा है। खतरनाक खतरनाक भाई खतरनाक। तो गाइस आप लोगों को अंदर की तरफ दिखाया तो एक तो बहुत हैवी बारिश हो रही है और रात को और काम अभी चलेगा
तो भाई अभी क्या हो चुका है अंदर बता दो। बेसिकली हमने ये कूलिंग कॉइल जो है आपकी, ये बेसिकली ब्लोअर असेंबली है और ये जिप्सी किंग वाली जो मैंने आपको बताई थी, तो ये हमने इसका फ्रंट का फेस हटा दिया है। तो ये इसका देखो, ये देख रहे हो, ये अपने और गाड़ियों में भी देखा होगा, ये कूलिंग कॉइल असेंबली होती है, ठीक है। ये बेसिकली कूलिंग का जो काम करती है, हवा आती है इसमें से, ठीक है। ये हमारा ऐसे माउंट होगा, इसके ऊपर फाइबर ग्लास से आपका पूरा का पूरा एक श्राउड बनेगा, जो कि आज रात को हम बैठ के करने वाले और लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हाँ, बस बारिश का थोड़ा सा अगर साथ रहा अच्छा मौसम हो गया तो लेट्स सी कि हम कितना काम कर सकते हैं, जितना खींचने की कोशिश करेंगे। और अभी मतलब ब्लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन काम चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। तो भाई क्या सोचा है फिर इसके बारे में? तो बस इसका यहाँ से हम जो वेंट्स आपका तैयार करेंगे, वो आपका बेसिकली आपका यहाँ पे एक माउथ निकलेगा। तो अब इसके आगे जो हम लोग का ये है टेस्टिंग है, तो हम आपको दिखाते हैं। भाई ने वहाँ पर सब तैयार कर रखा है, लाके आपको दिखा देंगे। और ये भाई जिप्सी किंग में लगती है, जो आर्मी की गाड़ी होती है उसी में तैयार होता है। तो ये है आपका स्टॉक वेंट्स है, तो जो आपका फाइबर ग्लास तैयार होगा, बेसिकली आप स्टॉक वेंट्स जो देखेंगे आपका यहाँ पे देखिए होल होगा, ये ऑलरेडी आता है गाड़ियों के अंदर होल हो गया। तो अभी हमारा जो फाइबर का माउथ बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये डायरेक्ट सप्लाई है आपकी, तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल यूनिट नहीं है, ये आपका अंदर का अंदर हो गया। यहाँ पे आपका स्टीरियो हो जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा आपने क्या अलग काम करके रखा हुआ है, ठीक है। इट वुड बी लाइक अ स्टॉक, वो जो मैं कह रहा, हाँ जो मैं कह रहा था कि पानी अगर थोड़ा सा उसमें बैठ जाता है, जैसे अंदर जब ब्लोअर चलता है, हाँ, तो ये होता है आपका यहाँ पे जो पानी रिकलेक्ट होता है, तो बेसिकली यहाँ से एक पाइप आपका होस निकला रहता है, तो मैं आपको कल जब पूरा क्लियरली हम उसको निकालेंगे तो वो हम उसको आउटलेट, जैसे आपने नॉर्मल गाड़ियों में भी देखा होगा एसी चलाते हैं, नीचे पानी के ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो बेसिकली वही चीज होती है, कूलिंग कॉइल में जितना ही पानी होता है वो आपका उसका आउटलेट हम नीचे दे देते हैं। चलो ठीक है भाई, चलिए जी, लेट्स कंटिन्यू आवर वर्क। हाँ ठीक है भाई, ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी हेल्प करानी है, आइडिया चाहिए। और बाकी भाई आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, सो आज के लिए यहीं पर इस चीज को एंड कर रहे हैं। सो गाइस, वीडियो तो यहीं पर एंड हो गई थी, लेकिन भाई को मैंने कहा कि भाई एक बार जरा वो दिखा दो भाई जो बनाया हुआ आपने। तो बेसिकली आप ये देखिए, आपने हमने आपको दिखाया था ये ऐसे ग्लास मैट था, बिल्कुल, जो कि हमने रेजिन और इसके केमिकल कंपोजिशन से, सी दिस इज लाइक अ शीट, इसी से एक मोल्ड बनेगा, जो मैं आपको बताया था जो डक्ट बने हैं वो इसी से बनेंगे। इसके बाद इसकी और लेयरिंग होकर इसको और हार्ड एक बॉक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली ये इतना बढ़िया चीज़ है, आप किसी भी चीज़ में मैलेबल है, आप किसी भी चीज़ में इसको मोल्ड कर सकते हो। तो इट्स लाइक वी वॉन्ट टू मेक अ पाइप, इट विल बिकम अ पाइप, बॉक्स बनाना है बॉक्स बनाइए, जो बनाना है वो बनाइए। तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है, एंड लॉट ऑफ कार्स आर यूजिंग दिस नाउअडेज। तो भाई बढ़िया चीज़ है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो इट्स टाइम की वीडियो को एंड कर दिया जाए, आप लोगों ने सारा काम आज होते हुए देख लिया है, तो इस वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली मैं दो पार्ट में रखूंगा, और अगर और जरूरत पड़ी तो भाई देख लेंगे थर्ड पार्ट में भी निकाल देंगे। सो फिलहाल के लिए जो है काम जो है आप लोगों ने आधा होते हुए देख लिया था। अगेन कल जो है कुछ चेंजेस हमने करने का सोचा है, आप लोगों ने अभी इसमें सिंगल कंडेंसर लगा के देखा था, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबली जो है आज रात को हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे। और रात को टेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम लोग लेट नाइट तक यानी 2 बजे तक या 1:30 बजे तक हम लोग इसका काम चलाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल कंडेंसर का क्या रिस्पॉन्स आता है, और भाई जब हमें लगेगा कि हाँ भाई ये सिंगल चल सकता है तभी इसको चलाएंगे, नहीं तो डबल कंडेंसर और डबल कंडेंसर नहीं, बेसिकली सिंगल कंडेंसर विद 2 फैन, ठीक है, सिंगल कंडेंसर विद 2 फैन रखेंगे, और आई गेस वो सेटअप ज्यादा अच्छा रहेगा। ये रहेगा आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। इसी के साथ में जो भी काम आज हुआ है वो गो मैकेनिक के ऑफिशियल वाली जगह हुआ था, जो कि आप लोगों ने देखा होते हुए। तो अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है गो मैकेनिक से सर्विस कराने का या कुछ भी करवाना है, कोई सी भी गाड़ी हो भाई, हाई एंड हो या कोई भी छोटी गाड़ी हो, तो आप लोग जाके काम करा सकते हो। मेरे लिए जो स्पेशल कूपन उन्होंने निकाला है वो है मुसाफिर AC10, सब कुछ कैपिटल में, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कर रहे हैं एंड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, इसी के साथ में मुसाफिर को इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया, लिखिए MUSAFIR7011 यानी कि मुसाफिर 7811, और आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीधे कल वाले व्लॉग जरूर देखना, मजा आएगा। वीडियो फिर से लेट आ रही है, क्या करूं भाई, बहुत चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है उसके बाद वीडियो आती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड